हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक। बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही मज़ेदार जन और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार। इसके लिए ना हम कोई कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, ना ही दही, ना कोई बेकिंग सोडा, ना मैदा, ना बेकिंग पाउडर और ना ही बेकिंग करने के लिए कोई नमक। इसे हम बनाएंगे पानी से। जी हाँ, पानी की भाप से। आइए देखते हैं रेसिपी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए मैं ले रही हूं यहाँ पर ओरियो बिस्किट। ये मैंने 2 पैकेट बड़े ओरियो बिस्किट लिए हैं, वेट में ये 240 ग्राम है। अब हम इसको अलग, क्रीम को इसमें अलग कर देंगे और साइड्स को अलग कर देंगे। इस तरह से हम अभी सारी क्रीम्स को अलग कर देंगे। क्रीम का यूज हम इसमें बीच में स्टफिंग के लिए करेंगे, वो आप देखते रहिए वीडियो। ये हमारे सब अलग हो चुके हैं, इसको अब हम साइड पे रख देंगे और इन बिस्किट्स को हम अभी बारीक तोड़कर मिक्सर जार में ग्राइंड करेंगे। अच्छे से थोड़ा तोड़ लें, क्योंकि नहीं तो ग्राइंड होने में दिक्कत आएगी। अगर आप अच्छे से चॉप इसे तोड़ लेंगे तो बहुत फाइन पाउडर रेडी होगा। ये हमारा फाइन पाउडर रेडी हो चुका है। इसमें कुछ भी मोटा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कहीं इसमें बिस्किट मोटा रह गया तो उसे अलग निकाल लें। यहाँ पर हम बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं इसे। इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर दूध। दूध मैं 1 कप ले रही हूँ। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जितना हमारा यूज होगा उतना ही यूज करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, दूध एक साथ नहीं डालना है हमें। यहाँ पर बहुत अच्छे इसे फाइन रिबन कंसिस्टेंसी में बनाना है, इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, इसलिए हम दूध थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। थोड़ा दूध और ज़रूरत है तो मैंने डाल लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसके लिए स्पून से भी कर सकते हैं, विस्कर से भी कर सकते हैं। ये देखिए, 1 कप में इतना दूध मेरा बच गया है। ये हमारा बिल्कुल बैटर रेडी है, रिबन कंसिस्टेंसी बन चुकी है। मैं यहाँ पर एक पॉट ले रही हूँ, कढ़ाई लेंगे और उसमें पानी डालेंगे। पानी 1.5 से 2 गिलास डाल सकते हैं, मैंने 1.5 गिलास यूज़ किया है। और इसे ढककर हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर बैटर को हम केक टिन में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने बटर पेपर लगा लिया और इसे घी से ग्रीस भी कर लिया है। अब थोड़ा, हमने पूरा बैटर इसमें नहीं डालना है, थोड़ा बैटर डालेंगे और इसे अच्छे से हिला डुला कर पूरा फैला लेंगे। यहाँ पर हमने ये सारा फैला लिया तो 4-5 बार टैप कर लिया और यहाँ पर पानी हमारा गर्म हो चुका है, उबाल आ चुका है और इसे हम इसमें रख देंगे। ये केक है फ्रेंड्स, हमारा भाप में बनेगा, स्टीम में बनेगा। और ऐसे ही इसे इस पर कपड़ा ढक देंगे और उसके ऊपर हम लिड लगा देंगे और उसे भी अच्छे से कपड़े से कवर कर देंगे, ताकि इसमें जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। बहुत ही जल्दी केक तैयार होता है और स्टीम में। इसको हमने 5 मिनट के लिए स्टीम किया है। ये हमारा रेडी है, इसको निकाल लेते हैं और पानी को फिर से ऐसे ही ढक देंगे। यहाँ पर अब हम ये जो हमने क्रीम उतारी थी उसके बिस्किट की, अब इसको बहुत अच्छे से लगा देंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से लगाना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है, बहुत बढ़िया से, क्योंकि इसी से आगे इसकी बटर वाली स्टफिंग होगी, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ये बहुत ज़रूरी है लगाना। उसके बाद लगाने के बाद हमारा बचा हुआ बैटर भी इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। इसे टेढ़ा मेढ़ा करके बहुत अच्छे से हम इसे फैला लेंगे और इसे फैलाने के बाद कुछ टाइम के लिए टैप कर देंगे। 4-5 बार इसे टैप कर देंगे ताकि इसके जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और इसी तरह से फिर से वही प्रोसेस करेंगे, पानी में इसे रख देंगे भाप में बनने के लिए और फिर से इसे 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। और अब हमारा रेडी हो चुका है 5 मिनट बाद, बहुत बढ़िया से रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही ध्यान से करना है, कहीं भाप हाथ पे ना लगे, इसलिए केयरफुली इसे निकाल लें। यहाँ पर थोड़ा ठंडा होने देंगे और नाइफ के हेल्प से केक टिन से केक को छुड़ा लेंगे। अब प्लेट को ऐसे रखेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ऊपर थोड़ा हाथ मारेंगे तो ये इजिली निकल जाएगा। ये हमारा निकल चुका बड़े इजिली और ये बटर पेपर को अब हम बड़े प्यार से हटा देंगे। बहुत बढ़िया हमारा केक तैयार हुआ है।
बहुत मजेदार। और इस पे अब हम चॉकलेट सिरप डालेंगे, आप चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ सिरप यूज कर रही हूँ। और इसे अच्छे से नाइफ से स्प्रेड कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ईजिली, बहुत ही बढ़िया बनता है ओनली 2 इन्ग्रीडियंट से। बनाना तो बहुत आसान है। और इसे अब हम 4 पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे इसे ज़्यादा पीसेस में भी कट कर सकते हैं। बच्चों को एक एक बहुत मज़ेदार लगता है, एज ए पेस्ट्री भी आप इसे खा सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दें। वाओ, आइए अब इसे खा के भी देखते हैं कैसी लगी। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।